अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप लोग देख सकते हैं बाहर कितने प्यारे कबूतर लग रहे हैं। सामने वाली बिल्डिंग में वर्कर्स आ गए हैं, काम लोग आ जा रहे हैं और वेदर हमारा कुछ ऐसा है। तो बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 9:24 और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट नाश्ता। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए रख ली मज़ेदार सी चाय। कल खाने में मैंने दाल कद्दू बनाए थे, ये थोड़े से बच गए थे। दाल कद्दू बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए, लेकिन यकीन करें इतने को मज़े के बने ना कि बच्चे खा खा के बस इतना छोड़ गए। हस्बैंड को खाना था इसके साथ पराठा, और रात में ना मैंने आटा गूंदना भूल गई, और अभी जस्ट मैंने उसको 15 से 20 मिनट पहले आटा गूंद के रख दिया था, और मैंने साथ ही साथ बॉल भी वॉश कर दिया कि चलो ये भी धुल जाए, क्योंकि हस्बैंड ने डिमांड की है पराठे की। तो उन्होंने तो खैर मुझे ये नहीं कहा कि मुझे ज़रूरी चाहिए, उनका मुझे ब्रेड भी चलेगा, पर मैंने कहा नहीं। अभी उन्होंने कहा उनको पसंद है दाल के साथ, तो मैं जल्दी से आटा गूंद के उनको पराठे बना देती हूँ। यहाँ जो है मैं पेड़े बना रही थी देसी घी के, इसमें है देसी घी जो मैंने घर में बनाया और आप लोगों ने देखा भी था। अब तो खैर थोड़ा रह गया, अब और ला के बनाऊँगी। तो चले मैं इसको बना के रख देती हूँ, 2 से 4 मिनट देसी घी के पराठे रहेंगे ना तो पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। देसी घी के पेड़े बना के रख लिए थे, जिसमें से एक तो मेरा था, बाकी 3 क्योंकि घर वालों के थे, हस्बैंड का था और मेरी जो कि जिठानी उनका भाई भी आया हुआ था, तो बस इन तीनों के लिए बनाए थे। तो पेड़े बनाते बनाते सोचा चलो यार थोड़ी देर में आप लोगों को गराज का टूर दे देती हूँ, कि ये जो आप लोग मेरे बॉक्सेस देख रहे हैं ना, इसमें आज से 3 साल पहले मैं अपनी चीज़ें रख के गई थी, जो कि मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था ना, मेरे जेठ लोग आए थे तो वो साथ में ले आए थे बॉक्सेस को। तो अब इंशाल्लाह आज इसकी भी पूरी अनबॉक्सिंग करूँगी और देखूँगी कि अभी कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर से क्या चीज़ें क्रैक हुई हैं, कुछ टूटा, कुछ नुकसान हुआ या नहीं हुआ। तो वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल आपको नज़र आएगा। मेरी किचन से रिलेटेड हर चीज़ आपको दिखाऊंगी, किचन क्लीनिंग दिखाऊंगी एक्चुअली मैं आपको। तो बस यहाँ फटाफट से ना बना लेते हैं मज़ेदार से पराठे, वो भी घर के बने देसी घी के साथ एकदम पतलम पतले। तो आज जाना जी मुझे अपॉइंटमेंट पे, बच्चों की है फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो हमें मिली है, चारों बच्चों की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो बस अभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा स्कूल, स्कूल से लेंगे बच्चों को पिक करेंगे और चलेंगे सीधा क्लिनिक। और बच्चों की मेरी ना वही पुरानी ही डॉक्टर है जहाँ पे मैं हमेशा अपने बच्चों को लेके जाती थी, यहाँ पे बस आप एक ही बच्चों की डॉक्टर रख लो, जो रखनी है आपकी अपनी मर्ज़ी है, कि आप किसी गोरे को रखना चाहते हो, किसी स्पेनिश को रखना चाहते हो, किसी इंडियन पाकिस्तानी। तो मेरे जो बच्चों के डॉक्टर है वो पाकिस्तानी है। तो बस कद्दू दाल हो रहे थे गर्म मज़ेदार से, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि थोड़े से ड्राई हो जाते हैं बाद में पड़े पड़े, पर यकीन करिए बहुत मज़े के थे। आप लोग ज़रूर सिंपल तरीके से बनाइएगा अपने घर में और खिलाइए और ख़ुद भी खाइए मज़े मज़े से। तो कद्दू की पता अच्छी खासियत क्या है ना, कि आप सब कुछ इकट्ठा डाल के रख दो, बीच में एक कनोर के क्यूब्स डाल दो, ख़ुद ही टेस्ट आ जाएगा। और आप खुद ही मेरी तरह से ही ना सुबह नाश्ते में बटर डाल के खाइएगा और फुल मज़े लीजिए नाश्ते का। तो बहरहाल जी बिल्कुल सोफ़े बैठने का मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सुकून से बैठ के और अच्छे से कंफर्टेबल होकर नाश्ता करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं था। तो अम्मी लोगों को मैंने कॉल कर दिया था कि मेरे इतने बजे अपॉइंटमेंट है तो आप लोग आ जाइएगा। तो ये लोग वो आ गए थे तो उनकी गाड़ी लेके हम जा रहे थे, क्योंकि अभी क्या गाड़ी को गर्म करें विंटर के वेदर में ना, आपको मौसम में क्या होता है गाड़ी को कम से कम 15 से 20 मिनट पहले ऑन कर देना चाहिए ताकि उसका इंजन जो है ना गर्म हो जाए। अम्मी अबू लोग आए थे तो हमने कहा चलो यही गाड़ी ले जाते हैं। तो उसके बाद वो घर में थी, कहती थी चलो तुम्हारे आने तक कुछ तो काम हो जाएगा, मैं तब तक डब्बे जो है अनबॉक्स करके रखती हूँ, कुछ बर्तन निकाल के रखती हूँ, कुछ देखती हूँ क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। तो ये होता है माँ का जी पास में रहने का, जो कहते हैं ना वो मुझे फ़ायदा किया, चलो अम्मी मेरे पास में है तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पीछे से टेंशन नहीं होती, जो थोड़ा थोड़ा करके काम कर लेती हैं। तो बच्चे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, और ये बच्चों के स्कूल के बाहर का व्यू है माशाल्लाह जो कि बहुत ही खूबसूरत था। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं बना लेती हूँ।
तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अब क्लिनिक। और बच्चों को कोई आइडिया नहीं था, इवन बच्चों के साथ साथ हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनके साथ आज क्या होने वाला है। तो सुनिए आप मज़े मज़े की बातें। तो यहाँ आ गए डॉक्टर के पास, तो चले चलते हैं अंदर जाके नाम लिखवाते हैं। इधर वेटिंग एरिया, यहाँ पे ना बिल्कुल छोटे होते थे बच्चे। ये देखिए फैन चल रहा है। मुसफ़र बिल्कुल न्यू बॉर्न था जब यहाँ आता था, मिकाइल न्यू बॉर्न था, रिशा बिल्कुल अभी 2 ईयर्स हाफ की थी, रेहान 1 ईयर का था जब ये लोगों को, ये इनके ऊपर में डॉक्टर थी, फैमिली डॉक्टर। हाँ, और ये जो डॉक्टर है ना ये पाकिस्तानी है। अभी मैं वेटिंग पे हूँ। अका मैं कहती हूँ मिकाइल और मुसफ़र थे ना बिल्कुल छोटे छोटे थे न्यू बॉर्न जब यहाँ आते थे, हमारी मैक्स से वहाँ बैठती थी और मेरी सीट यहाँ होती थी, कभी इधर होती थी। चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो 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 गो। Mikhail, okay, and then I have Musawwar, okay, and then I have Rehan, and then is Arisha? Yeah. Okay, so Arisha Falak, right? All right. So we have 1, 2, 3, 4. All right, Arisha, we'll start with you. All right. You're gonna come with me. So were you traveling? Yeah, we've been out of country. Okay. So, and then we just came back. Okay, that's good. All right, Arisha, gonna follow me. So we have. Can you take off the other jacket? Okay, to me, that's yes, okay. On the other shirt. Look at that cute matching outfit. You ready? Can I see those muscles? Yes, yeah, strong. Look at mommy. Look at that. Oh, wow. Flexing. Yeah, very nice. Peppin. You eat all your veggies? Yeah. Yeah. I don't want to eat this now. No. What's your favorite vegetable? I eat the strawberry. Strawberry. And then it's red strawberry. Wow. How about that? We're gonna wrap this around your muscle, okay? Okay. You wanna relax that? There you go. I wanna be doctor now. Easy, relax. You ready to feel your muscles get big? Yeah. They might. No, yep. All right, I'm going to have you put your arm there. And I'm going to put this right here, okay? You ready for big muscles? Yeah. Are you feeling it? How'd your muscles feel, babe? Yeah? Yeah? Good? Yeah. Perfect. Thank you. Show me your muscles. Yeah. How do you come on. The video bro. Relax, pull this up, okay? Alright, you're fine. Come on, we're okay. Alright. You're strong now. Yeah, I know. Oh. Yeah, it doesn't hurt. Alright, bud. I'm gonna do one and I'm gonna have Emily do one, okay? As you can see, right here, there's like your muscle, yeah. Upper muscle. That's where you're gonna go. Ooh, that's a pinch. And then you can go ahead and do the other one. I'm all about quick and go. Right there, but you can do it right on the side. Yep.
got the most. Because you're 8. So you're caught up with your shots. Relax, relax, relax. Come on, relax, relax, relax. Stop flexing. Okay. I'm not flexing. Okay, relax. Okay, look, I want you to make your arm like a dead arm. All right, there you see. That's exactly right. R.I.P. arm. R.I.P. arm. All right. Are you strong? Yeah. Are you sure? You're not going to cry, right? You okay? All right. Ready? Don't move. Take care. That's a lot of blood. हम लोग आ गए गाड़ी में और इनके पापा जो है वो ले रहे हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट. तो कैसा रहा बच्चा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा. हम अपनी डॉक्टर को इतने सालों के बाद मिले, बहुत अच्छा लगा. वो बेस्ट. आज इन सबको, अरिशा को और मिकाइल को लगे 3 इंजेक्शन, मुसफर को लगा 1, रेहान को लगा 2. मैं रोता ही नहीं, मुझे इतने इंजेक्शन लगे हैं और मैं इतना प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे एक क्यों मिला बस. और ओवरऑल माशाल्लाह किड्स इज वेरी 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 हेल्दी अल्हम्दुलिल्लाह. और मिकाइल आपको भी इंजेक्शन लगा ना? और मिकाइल गॉट अ न्यू बॉबी. इतना ही इज अ वेरी नॉटी बॉय, क्रैंकी बॉय. Mikhail, you love doctor na? You love doctor? Why? घर आगे मैंने मिकाइल को सुला दिया था क्योंकि इंजेक्शन के बाद बच्चों को अक्सर चढ़ जाता है थोड़ा सा बुखार. तो यहाँ बस मिकाइल सो रहा था. और बस अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ. वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिए. अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा. तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़.